नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों वैसे तो प्रायः हर कोई दीपावली में खरीदारी करने जरूर जाता है और लोग कई प्रकार के वस्तुओं को खरीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जिसे घर में लाना भूल जाते हैं। मित्रों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि छोटे छोटे चीज़ लक्ष्मी माता को आकर्षित करते हैं और हमें धनवान बनने में, हमारे प्रोग्रेस होने में काफ़ी मदद करते हैं। और दिवाली में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सोने चांदी से भी कीमती है और इसकी कीमत बहुत ही कम है, यानी कि इस प्रकार की कीमती चीज़ हैं जो कि आपके जीवन को बदल सकती हैं, जो कि आपके भाग्य को उदय कर सकती हैं। जीवन में चल रही परेशानियाँ हैं, धन संबंधी परेशानियाँ, हर प्रकार की परेशानी को चुटकी में समाप्त तो कर सकती हैं। यह चीज़ें आप लोगों को दिवाली से पहले मार्केट से खरीद कर जरूर लाना है। अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो दिवाली के दिन जो है आप बिल्कुल खरीद कर ला सकते हैं। और रात में माता रानी यानी कि लक्ष्मी जी की पूजा है, उसमें इसका प्रयोग निश्चित तौर पर करना है। आपको धनवान बनाएंगे, जीवन में चली आ रही आपकी परेशानी को दूर करेंगे। और तो पहले नंबर पर आती हैं चांदी, तांबे या स्टील की उल्लू। जी हाँ, उल्लू जो होता है ये माता लक्ष्मी का वाहन है और ये बताया जाता है कि दिवाली के दिन उल्लू घर में लाने से स्थापित करने से किया जाए, तो इससे अगर गंगा जल से स्नान कर दिया जाए तो फिर इसमें जो इसमें पानी है उसमें अगर उसका जो उल्लू का जो स्नान किया हुआ पानी है इसमें अगर चीटा पूरे घर में मारा जाए तो उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं, उस घर को पूरे अनधन से भर देती हैं। कोशिश करें कि चांदी, तांबे या स्टील की उल्लू अपने घर में लाकर स्थापित करें दिवाली के दिन, इससे आपकी गरीबी जो है वो मिट जाएगी। दूसरे नंबर पर जो आती हैं वह यहाँ पर आती हैं काली हल्दी। जी हाँ दोस्तों, बहुत से जगहों पर काली हल्दी नहीं मिल पाती हैं, लेकिन आप इसे मार्केट में ज़रूर खरीद सकते हैं। तो आप काली हल्दी अगर नहीं मिल रहा है तो आप बज खरीद सकते हैं। बज जो है वो बहुत ही आसानी से मिल भी जाती हैं। तो बज क्या करता है, इसके जो सुगंध होता है, इसके जो निकलने वाला स्मेल होता है, ये लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो छोटे छोटे चीज़ हैं लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं, हमें धनवान बनने में, हमें हमारे आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करते हैं। तो अगर बज लाकर आप विधि विधान से पूजा किया जाए, इसे स्थापित किया जाए घर में और बाद में इसे ताबीज़ में बांध लिया जाए तो हमें आगे बढ़ने में, हमारे तरक्की करने में काफ़ी मदद करते हैं। हमें हर कदम पर सफलता मिलती है। जब तक ये हमारे गले में रहेगी ताबीज में मरा हुआ, तब तक हमें सफलता मिलता ही रहेगा। इसके बाद आते हैं चांदी की चाबी। जी हाँ, कोशिश करें कि दिवाली से पहले या दिवाली के दिन चांदी की चाबी जरूर लाएं। हर ताले की तोड़ चाबी होती है, जो चाबी होता है इससे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। चाबी भी अगर आप अपने घर में चांदी की लाकर स्थापित करते हैं तो इससे हमारे घर में अंधन की बढ़ोतरी होती है। इसके बाद मित्रों चौथे नंबर पर आती है भोजपत्र। भोजपत्र आपको क्यों लाना है वो भी मैं आपको बता दूँ। भोजपत्र लाना है, जो कि भोजपत्र है, इसे आपको श्री अंतर का निर्माण करना है बंधन से। आपको लोगों को स्वच्छ जो है वो भोजपत्र लाना है और श्रीयंत्र आपका निर्माण करना है। श्रीयंत्र नहीं बना सकते तो आप श्री लिख कर भी आप माँ लक्ष्मी के सामने लिख कर रख देना है। आज के दिन यानी कि जो दीपावली के धनतेरस के दिन ये उपाय करेंगे, भोजपत्र लाकर अगर आप श्रीयंत्र लिख देंगे तो दोस्तों माँ लक्ष्मी को भेंट करेंगे। तो इसके बाद इस बना हुआ श्रीयंत्र फ्रेम में डलवाकर अगर आप घर में स्थापित करेंगे, व्यापार वाले स्थान पर स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से घर में धन की बरकत होंगे और घर में धन की बढ़ोतरी करते हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर आती हैं, जी हाँ दोस्तों, शालिग्राम। जी हाँ दोस्तों, शालिग्राम जो है भगवान विष्णु जी का अवतार हैं। भगवान विष्णु जी के शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप बताए जाते हैं और तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो शालिग्राम घर में लाने समय हमारे घर में धन की बरकत होती रहती है, धन की बढ़ोतरी होती है। जहाँ पर भगवान विष्णु जी होती हैं तो वहाँ पर माता लक्ष्मी जो है वह खींचे चले आते हैं। ये पांच ऐसे चीज़ें हैं जिसमें कि पांच जो भी चीज़ अगर आप पांचों में से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी सहूलियत हो, वह दीपावली के दिन बिल्कुल आइए, इसे आप अपने घर में स्थापित करें, इससे हमारे घर में अन्न धन की बरकत होगी। तो यह तो छोटी सी जानकारी। जो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।